नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। शिव सागर कुमार पर जानलेवा हमला, तकरीबन 15 से 20 लोग रात के अंधेरे में धारदार हथियार से उनको मारते हैं और वो सीधे DMCH में भर्ती होते हैं। जी हाँ, ये जो तस्वीर देख रहे हैं शिव कुमार सागर की, घटना इस तरह है। मधुबनी जिला के माधोपुर ग्राम के लौकाहा थाना के यह विवाद है, रास्ते की जमीन को लेकर के है। ये घटना 17 नवंबर 2020 की है। शिव सागर के ऊपर रात के तकरीबन 2:30 बजे के बीच गांव के ही लोगों ने तकरीबन 15 से 20 आदमी धारदार हथियार लेकर के उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। उनके सर पर काफ़ी गंभीर चोट आई है, जो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उनके दाएं हाथ में 2 जगह क्रैक आया हुआ है, जिसमें DMCH के डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना होगा। साथ ही दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि उनके पूरे शरीर में जिस तरीके से मार लगी हुई है, वह जीवित है, यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमें बताया कि उनके ना रहने के कारण घर पर उनके बच्चों को वही 15 से 20 आदमी रोज़ धमका रहे हैं कि केस वापस लो, और साथ में कुछ दिनों उनके घर के बाहर का एक हिस्से को किसी ने, अज्ञात व्यक्ति ने जला दिया था। लेकिन शिव कुमार का शक है कि ये वही लोग थे। शिव कुमार ने बताया कि उन्होंने थाना में अपनी प्राथमिकता दर्ज कराई है और लौकाहा थाना ने कहा कि जब तक उनके पास बेता थाना से FIR की रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक वो फिलहाल अभी कुछ कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं उन लोगों के खिलाफ। आपको ये बताना चाहिए कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन कई बार उनके घर की मुआयना कर चुकी है, लेकिन आज 27 तारीख है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उनके भाई ने बताया कि वो वहीं पर मौजूद है कि ताकि थाना से FIR आए, उसके बाद वो पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। तो हम सभी जानते हैं कि दरभंगा में, बिहार में, मधुबनी या बिहार के किसी तरह या भारत के किसी तरह जमीनी विवाद एक बहुत बड़ी विवाद होती है। इसमें कई जाने भी चली गई, जिसका हकीकत हम सभी पेपरों में, अखबारों में पढ़ते हैं। आइए तो सुनते हैं शिव कुमार की पूरी कहानी कि किस तरीके से ये घटना हुई और आज क्या परिस्थिति है। 200 बरिस पहले हमारे जमीन का बंटवारा हुआ था, उसके बाद वहाँ पर रास्ता छोड़ा गया हुआ था। धीरे धीरे विपक्षी पार्टी रास्ता के कम करते गए, अभी के लमसम 1 फुट जगह छोड़ा हुआ है। उसके चलते हम उसे बार बार निवेदन किए, अगर आपको खाप जमीन आ रहा है तो आप जो है उसको मुआवजा ले लीजिए, पर लड़ाई झंझट मत कीजिए। पर विपक्षी ने माना नहीं। फिर हमने लगभग 85 साल पूर्व से हमारी लगभग 16 धूर जमीन हमारे दादाजी कब्जा किया हुआ रखा था। उसमें कटहल के पेड़ था, आगे से एक भूसा का घर था। उसके बाद हमने सोचा मोटरसाइकिल वगैरह पशु बांधने में मुझे कष्ट हो रहा है, इस लेकर के हमने उसको क्या कहते हैं वहाँ पर एक घर बांधने चला। तो ये विपक्षी रोकने का, ये हमारा है। मैंने बोला ये सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन पूरे गांव वाला छोड़ दे, हम भी छोड़ देंगे। विपक्षी पार्टी माना नहीं, वहाँ से चुपचाप चले आया, घर बन गया। घर बनने के बाद रात्रि लगभग 2 बजे हम शिव सागर कुमार ने अपने धान की सुरक्षा के वास्ते घर से निकला। घर से निकलने के बाद लगभग 2:30 के बीच की बात है, हमने वहाँ गया, धान अपना देखा सुरक्षित है। उसके बाद उस जहाँ पर घर बना हुआ था उसमें हमने एक चौकी डाला हुआ था, उस पर एक चादर मुंह पे डाल के हमने सो गए। सोने के बाद कुछ देर बाद जो वहाँ से हमने देखा कि किसी ने यहाँ पर आने का आहट सुनने के बाद देखे कि जब आँख हमारा खुला तो देखते हैं हम कि 15-20 आदमी ने हमें घेर रखा है। उसने क्या किया, बोला कि इसको हत्या कर दो। मैंने फिर उसको आगे बहुत गिड़गिड़ाने लगा, उसके हाथ में जंगीलाल कुमार के हाथ में यानी गंज था, भुवन कुमार के हाथ में यानी कटार बहुत तेज वो हथियार था, सुधीर कामत के हाथ में जो है रड सा कोई ऐसे था, ऐसे राजन, दीपक यानी अमित जितने हैं सबको देखा मैंने, अपने चेहरे सामने देखा। सामने देखने के बाद उसको मैंने देखा, जो जब गिड़गिड़ाने के मेरे बच्चे एक लगभग 12 साल की एक 10 साल की दोनों बच्चे की मैंने उसको तरस खाने को बहुत रहम किया। तो मंजू देवी ने उस बीच में देखिए सर ये हाथ में चाकू लगा हुआ है, बोला कि इसकी आँख निकाल के छोड़ दो। फिर मंजू देवी ने आँख चाकू चलाया, यहाँ भी टाका लगा हुआ है सर, और हाथ में मैं जब रोकने लगा इसे हाथ जोड़ करके एक भी रहम नहीं किया। फिर आगे वाले घर में जहाँ पर भूसा रखे थे हम पहले, उस घर को जला करके बोला कि इसको इसी में समाप्त कर दो। फिर जो बाकी का लोग था उसने
उस जो एस्बेस्टर जो घर था उस पर लठ चलाने लगा। लठ के आहट सुनने के बाद पूरे गांव वाले दौड़ा, तो उसके बाद हम सर उसके बाद हम कुछ नहीं जाने बेहोश हो गए। उसके किस बाद तरह का हमला आप पर किया गया है? हाँ सर, किस तरह से हमला किया गया? हमला हमारे ऊपर कटार चलाया गया, जो गंज वो उसकी गंज काम नहीं किया, गंज छोड़ दिया, कटार चलाया, सर कट गया सर, लगभग 3 इंच सर कटा हुआ है। उसके बाद क्या कहते लठ चलाने लगे, जितने बंदे है सब लठ चलाने लगे मेरे। कौन लोग थे वो लोग? ये लोग भुवन कुमार, जंगलाल कुमार, सुधीर कामत, अमित कुमार, राजन कुमार, दीपक कुमार। कहाँ पर का मामला है ये? माधोपुर गांव कुंडल टोल पे मामला था सर। क्या थाना में आप एफआईआर किए हैं? थाना में उस वक्त फोन किया गया, थाना वाले ने आके फोटो लेके चला गया वहां से, चौकीदार के भेजा। उस वक्त हम बेहोश थे, यहाँ पर ले आया गया मुझे घुटौना में। मुझे टाका उका करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप इसको DMCH लेकर के जाओ, नहीं तो आप यहाँ पर रुकने कोई चांस नहीं है। तो DMCH में क्या बोला आपको? इंजुरी बना है? DMCH में अभी भी सर हमारा इलाज चल रहा है। इंजुरी बना है? इंजुरी बना हुआ, अभी इलाज चल ही रहा है, घुटौना की इंजुरी बना हुआ है। थाना में एफआईआर किए हैं? थाना में एफआईआर जो हम लिखवाए 17 तारीख को थाना में एफआईआर लिखवाए हैं, 17 को नहीं सॉरी शनिवार को, जो फरद बयान जिसे बोलते हैं। अभी तक हमारा फरद बयान लौखा थाना तक नहीं पहुंच पाया। कहां लिखे आप? ये हम हॉस्पिटल में जो DMCH जो पुलिस चौकी बना हुआ है वहां लिखवाए। आप अपने नजदीकी थाना में FIR कॉपी दर्ज करवाए? उसको फोन किए थे सर। FIR कॉपी अभी नहीं किए? FIR कॉपी नहीं कर पाए। उसके बाद क्या किया जंगलाल कुमार ने क्या किया, और रेखा देवी, बिंदेश्वरी देवी, और क्या कहते हैं दीपक कुमार, रासलाल कुमार, तीनों मिल करके जिस घर में हमारे बच्चे छोटे छोटे लगभग 10 साल 8 साल के बच्चे अंदर से TV देख रहा था, बाहर से गांव के आदमी हमारे यहाँ दूध लेने आए हुए थे, वो उस वक्त उसकी अपने घर की तरफ से, वो भी घर आपका ये क्या कहते हैं लार का है, घर का बना हुआ है, उस घर में क्या किया पीछे से आग लगा दिया उन लोगों ने। आग लगाने के बाद कहने लगा ये अपने आप लगा दिया। जब पूरे गांव के आदमी आग बुझाया, उसने कहा कि ये घर के सामान बाहर निकाल रखा था। जब उस वक्त हमारे बच्चे TV देख रहा था, गांव में अंगने में दूध ले रहे थे, तो उस वक्त उसने अपना मुंह बंद कर लिया, काला करके छुपा लिया, अपने मुंह अंदर कर रखा, और हमारे बच्चे की जलाने की साजिश रच रखा था वो लोग। आपके घर में आग कौन लगाया था? जंगलाल कुमार, रेखा देवी, बिंदेश्वरी देवी। कुल कितने आदमी थे? ये लगभग रासलाल कुमार, ये 4 आदमी मिल करके आग लगाया। क्या नाम है आपका? शिव सागर कुमार। पिता का नाम? श्री चुलाहे कुमार। घर? माधोपुर। थाना? लौखा। जिला कौन सा? मधुबनी।